जीवनदायिनी मां नर्मदा के जबलपुर स्थित द्वारी घाट पे मिलने वाले शहर के गंदे नाले अब दिवाली के पहले बंद कर दिए जाएंगे। INH 24/7 न्यूज से बात करते हुए जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू ने ये दावा किया है। जगत बहादुर अन्नू का कहना है कि जैसे ही वे जबलपुर के प्रथम नागरिक बने थे, उसी दौरान सबसे पहले उन्होंने ग्वारीघाट स्थित नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को बंद किए जाने वाली फाइल पर अपना पहला हस्ताक्षर किया था और उसके बाद उसका DPR तैयार कर 17.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया, जिसके माध्यम से कई फिल्टर प्लांट बनाकर नर्मदा में मिलने वाले गंदे पानी को रोक दिया जाएगा। मिलने वाले नाले यहां पर बंद किए जाएंगे, जिसको लेकर हमारे साथ यहां जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आपने महापौर बनते ही एक फाइल साइन की थी, उसका असर भी अब यहां देखने मिल रहा है क्योंकि आपने एक टेंडर भी निकाला हुआ है। कब तक ये पूरा कार्य? हम लोगों ने 3 महीने पहले तो बारिश में जितने नाले जाते हैं उनकी लैब टेस्ट किया, उसकी DPR बनाई, उसके बाद फिर बारिश के बाद कितने नाले जाते हैं उनकी स्टडी करी पूरी, सब मिलाकर अंत में 4 से 5 महीने में हम लोगों ने सारे पानी की लैब टेस्टिंग के साथ साथ हम लोगों ने जितने भी मिलने वाले नाले हैं उनकी एक DPR तैयार करी। DPR तैयार करने के बाद हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 17.5 करोड़ रुपए के फिल्टर प्लांट, जिसको STP कहते हैं हम, वो प्लांट माँ नर्मदा के उन नालों में लगाए जाएंगे जिसका मलमूत्र जाकर माँ नर्मदा में मिलता है और माँ नर्मदा को अशुद्ध करता है। आने वाले दीपावली के पहले एक भी बूंद गंदे नाले का पानी अब मां नर्मदा में नहीं मिलेगा, यही हम लोग का संकल्प था, यही हम लोग का संकल्प है। टेंडर प्रक्रिया कर दी गई है, आशा भी यही है कि दीपावली के पहले हो जाएगा। हम लोग लगभग 1.25 लाख दीपक जलाकर मां नर्मदा की पूजा आराधना करेंगे और हम लोग का संकल्प पूरा होगा, एक भी बूंद गंदे नाले का पानी मां नर्मदा में जबलपुर क्षेत्र में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इन्हें जगत बहादुर अन्नू, जो इनका साफ कहना है कि जो मां नर्मदा में नाले मिलने वाले थे उनका टेंडर यहां पर कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि जबलपुर की ये जो जीवनदायिनी मां नर्मदा है इसके में मिलने वाले जो गंदे नाले हैं ये जल्द ही यहां पर बंद कर दिए जाएंगे। जबलपुर से INH न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।